Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your maths teacher. Today we are going to continue with the chapter number 5, that is playing with numbers. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि numbers को हम किस तरह से divisibility test के बारे में पढ़ेंगे, इसमें magic squares और triangles के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इसकी generalized form और usual forms के बारे में पढ़ेंगे. तो first exercise है आपकी 5.1, इसमें हम generalized form और usual form जो होती है उसके बारे में हम देख रहे हैं. तो फर्स्ट है आपका जनरल फॉर्म ऑफ द नंबर्स, किसी भी नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है. ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, फर्स्ट है 85 और आपको बोला है कि इसको जनरलाइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो 85 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको एक्सपांड करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये है 85, यानी इसमें 80 भी है और 5 भी है. ठीक है, 80 प्लस 5 85 होता है. और 80 क्या होता है, 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 8. ठीक है, 10 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है. तो इसको हम लिखेंगे, 80 को तो हम लिख देंगे 10 इंटू 8. ठीक है, और ये 5 को इसमें प्लस कर देंगे तो 10 इंटू 8 तो हो गया 80. अब हमको क्या करना है कि जो जीरो वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, उसमें पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि कितने टाइम्स हो रहा है वो, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो लास्ट डिजिट है उससे प्लस कर देंगे, तो हमारी जो जनरलाइज फॉर्म है वो हम निकल के हमारी आ जाएगी. ठीक है, तो 85 जो नंबर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 80 प्लस 5. ठीक है, और 80 को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 8. तो ये हो गया 10 इंटू 8 प्लस 5, ये इसकी जनरलाइज फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह से इसका नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है 726. ठीक है, 726 है तो 700 यानी इसमें कितनी प्लेस हो गई, 3 प्लेसेस हो गई. फर्स्ट है कि यूनिट प्लेस, फिर टेंस और फिर 100. तो इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे. तो पहले 100 वाली लेंगे, तो ये 700 है. ठीक है, 726 है तो हम इसको लिख सकते हैं 700 प्लस 20 प्लस 6. ठीक है, यहाँ तक तो आप पहले पढ़ चुके हो कि अगर हमको लिखना है तो इसको एक्सपांड करके हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हमें इसको और आगे एक्सपांड करना है. ठीक है, यानी ये 700 क्या है, 100 से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 7 लिख सकते हैं. तो इसको हम लिखेंगे 100 इंटू 7. फिर ये 20 है तो यहाँ पे प्लस किया, ये 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2. ठीक है, जितना हम एक्सपांड कर सकते हैं उतना करेंगे, तो 20 को हम लिखेंगे 10 इंटू 2 और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 6. तो इसको हम लिख देंगे 6, यानी कि ये यूनिट प्लेस हो गई, ये वाली टेंस प्लेस और ये कौन सी प्लेस, 100 प्लेस. तो जो प्लेस है वो लिखेंगे हम, फिर वो कितनी बार उसमें कितनी बार आ रहा है, जैसे 700 7 टाइम्स आ रहा है 100 में, तो 100 इंटू 7. 20 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 10 इंटू 2 और ये 6. इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो यही हमारा इसका जनरलाइज फॉर्म होगा, आंसर होगा. ठीक है, ये तो हो गया जब हमें एक सिंपल नंबर दिया और बोला कि इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या होगी. लेकिन अगर हमें जनरलाइज फॉर्म दे दी जाए क्वेश्चन में और हमसे पूछा जाए कि इसकी यूजुअल फॉर्म क्या है, ठीक है, यूजुअल फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिया आपको 10 इंटू 6 प्लस 7. ठीक है, 10 इंटू 6 प्लस 7 ये कौन सी फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म, और कन्वर्ट करना है इसको यूजुअल फॉर्म में. तो कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा. यानी 10 इंटू 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 60. ठीक है, 10 इंटू 6 हो गया 60 प्लस 7, और 60 प्लस 7 तो हमको सबको पता है कि क्या होता है, 67. तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 67. ठीक है, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है, जो भी आपको फॉर्म दी हुई है उसको नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अगर यूजुअल फॉर्म है तो जनरलाइज फॉर्म में करना है, जनरलाइज फॉर्म में तो यूजुअल फॉर्म में करना है. इस तरह से आपके इसके क्वेश्चंस गिवन है. एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड वाला है 2 का. ये दिया आपको 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस जेड. ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन है, अब इसको आपको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करोगे, 100 इंटू एक्स क्या होगा, 100x. ठीक है, प्लस 10 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 10y और प्लस जेड. ठीक है, तो इसको अब आप क्या कर सकते हो, इसको फिर प्लस कर सकते हो क्या इसके आगे, ठीक है, इसके आगे प्लस कर सकते हो या नहीं. ठीक है, तो बस ये इतना ही होगा. इसके बाद अगर इसको प्लस करना है तो आपने देखा कि ये 100x और प्लस 10y प्लस जेड, इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हो. ठीक है, तो जनरली तो हम क्या देखते हैं कि जब x के साथ में कोई नंबर है और दूसरा नंबर अगर y के साथ है और z के साथ है तो हम इसको आगे प्लस नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, प्लेसेस है. ठीक है, ये क्या है, प्लेसेस है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 100 प्लेस पर है. ठीक है, ये 100 वाली प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है. तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पर हमने लिख दिया गया z. ठीक है,
और ये 10 इंटू वाई क्या है, टेंस प्लेस पर क्या दिया हुआ है हमें, y दिया हुआ है, तो हम टेंस प्लेस पर लिख देंगे y। और ये 100 प्लेस पर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इसको हम 100 वाली प्लेस पर लिख देंगे x। ठीक है, ये यूनिट प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है और ये 100 प्लेस होती है। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो जब भी इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके जनरलाइज फॉर्म अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे क्या है और 100 प्लेस पर क्या है, तो सिर्फ आपको वो नंबर्स को लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये 100, 10 और ये, इसको नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, सिर्फ इसकी जो प्लेस वैल्यू थी वही हमने पुट की थी। ठीक है, इसी तरह से आपको इसकी भी पुट करनी है। यस, नाउ रूल नंबर वन। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर पजल गेम। नंबर पजल गेम के क्या होता है, इसमें नंबर्स को हम बारे में देखेंगे किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल आपको दिया हुआ है, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 एंड द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो भी आपको दो तो जो नंबर्स का सम है, ठीक है, अगर वो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, जैसे कि हमने देखा 28 और 82 दोनों को हमने क्या करा, नंबर्स डिजिट को रिवर्स कर दिया। तो जैसे सम हमने एग्जांपल लिया 28 और 82, अभी ना एक्चुअल कंपटीशन हमें ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन, व्हेन द सम ऑफ 28 एंड 82 इज डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए। तो देखा 28 प्लस 82 कितना हो गया, 110 हुआ, और 8 प्लस 2 अगर हमने किया तो कितना आया, 10। तो जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 11। ठीक है, जब भी हम दो डिजिट का कोई भी नंबर, उसको अगर हम रिवर्स करके प्लस करेंगे, ठीक है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे अगर, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 11। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि दोनों दो नंबर का जो टू डिजिट का जो नंबर है उसकी डिजिट्स को रिवर्स करके माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो डिजिट्स को माइनस करेंगे तो देखो तो क्या आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स एंड द क्वोशेंट इज 9। अगर उस नंबर की डिजिट्स का डिफरेंस से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशेंट मिलेगा 9। इसी के साथ अगर हम उसको नंबर को जो डिफरेंस है नंबर का उसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वो डिजिट्स का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमें इसको हमें एग्जैक्टली इसका मतलब वो पूरा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली अगर हमको करना है तो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है, इसका क्वेश्चन क्या होगा, जब 95 माइनस 59 इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 95 माइनस 59, एक नंबर है हमारे पास 95। ठीक है, दूसरा नंबर हमने क्या लिया, उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, 95 था तो उसको हमने कर दिया 59 और इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 95 उसका अपोजिट क्या, रिवर्स क्या हो गया, 59, उन दोनों के डिफरेंस को हमें डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो देखो इसमें 4 क्या है, हम देख रहे हैं कि 4 क्या है, 9 माइनस 5, यानी इस नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, 4 क्या है, इस नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस। तो अगर हम इसको डिविजिबल, किससे डिविजिबल, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट यानी कि 4 एंड द क्वेश्चन इज 9, तो हमें क्वेश्चन क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं, अब 4 से डिवाइड करना है इसको, तो इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया 95 माइनस 59, इसको डिवाइड करना है 4 से, 4 क्या है, 9 माइनस 5, इन नंबर इस नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस है, तो ये आया 36। 95 माइनस 59 किया तो कितना आया, 36 आया। अब 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 9 36 होता है, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 9। इसका मतलब रूल नंबर 2 हमारा क्या होगा, सही होगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमें मिलता है 9। इसी तरह से अगर हम क्या करें, इसको डिवाइड करें 9 से, ठीक है, यानी अगर 95 माइनस 59 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमें क्या मिलना चाहिए, डिजिट्स का डिफरेंस यानी कि 4 मिलना चाहिए। तो अगर 36 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी रूल नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यस, ठीक है, तो अभी तक हमने दो डिजिट के बारे में पढ़ा। अब देखो अगर आपके पास 3 डिजिट का नंबर आ जाए
ठीक है, और बोले कि उसके डिजिट्स को आपस में रिवर्स करके, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में आप क्या कर रहे हो, उससे तीन नंबर बना रहे हो। एक नंबर है थ्री डिजिट का, उसको साइक्लिक ऑर्डर में आप चेंज करते जा रहे हो और उससे क्या बन जाएंगे, थ्री नंबर्स बन जाएंगे। तो उनको जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस क्या क्या मिलेंगे, किस किस से डिवाइड करने पे क्या क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपको देखना है। जैसे एक नंबर है एबीसी, ठीक है, एबीसी तीन डिजिट का एक नंबर है कोई, उसके आपने क्या किया, साइक्लिक ऑर्डर में उसको चेंज करा उसके डिजिट्स को और तीन नंबर बना दिए, तो ए बी सी हो गया। दूसरा नंबर क्या बनेगा, बी को पहले ले लिया, फिर सी को ले लिया, फिर ए को ले लिया, तो बी सी ए हो जाएगा। एक नंबर क्या बनेगा, अब आपने सी को पहले ले लिया, फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और फिर बी आ जाएगा। देखिए तीन नंबर बन गए, तीन डिजिट के एक नंबर से साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करने पे। अब ये डिविजिबल होंगे, अगर इसको हमने डिवाइड किया 111 से, तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, एंड द क्वेश्चन इज ए प्लस बी प्लस सी, यानी अगर हम उस नंबर के डिजिट्स को प्लस कर दें वही हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, समझ में आया कि अगर तीन डिजिट का एक नंबर है और उसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हुए अगर हमने उससे तीन नंबर बना लिए, थ्री डिजिट्स के थ्री नंबर्स बना लिए, तो उन सभी को प्लस करके अगर हम 111 से डिवाइड करें तो जो क्वेश्चन हमें मिलेगा, यानी आंसर जो मिलेगा, वो उन उस नंबर के डिजिट्स का सम होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये नंबर डिविजिबल है, अगर ए प्लस बी प्लस, यानी इस तीनों नंबर के सम को अगर हम इस नंबर के डिजिट्स के सम से डिवाइड करें, इस नंबर के डिजिट्स का सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 111। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा, 111। ये अगर आप याद रखोगे तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इस नंबर के सम को, इन तीनों नंबर्स के सम को अगर हम 37 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा, यानी आंसर मिलेगा, वो क्या होगा, 3 a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, इस नंबर के डिजिट्स का सम है। ठीक है, इस नंबर के डिजिट्स के सम को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें इसका आंसर मिलेगा। इसी तरह से इस नंबर के सम को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन होगा 37 a प्लस बी प्लस सी, यानी 37 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर के डिजिट्स से, डिजिट्स के सम से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड करें 3 a प्लस बी प्लस सी, यानी ये इस नंबर के डिजिट्स के सम को 3 से मल्टीप्लाई करके उससे अगर हम इन तीनों नंबर्स के सम को डिवाइड करें तो जो आंसर मिलेगा क्वेश्चन वो होगा हमारा 37। ठीक है, वो क्या होगा, 37। और इसी तरह से अगर इस तीनों नंबर के सम को अगर हम 37 a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 3। ठीक है, कैसे मिलेगा, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 5.1 का, इसमें आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ो। फाइंड द क्वेश्चन इफ द सम ऑफ द नंबर्स 784 एंड टू अदर नंबर्स ऑब्टेन बाय अरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ 784 इन साइक्लिक ऑर्डर इज डिविजिबल बाय। साइक्लिक ऑर्डर में इसको आपको अरेंज करते हुए इस 784 से आपको तीन नंबर बनाने, तो मैंने यहाँ पे तीन नंबर बनाए 784। ठीक है, फिर साइक्लिक ऑर्डर में चेंज किया, मैंने 8 को पहले ले लिया, फिर 4 और 7, तो क्या बन जाएगा 847। फिर मैंने क्या करा, पहले 7 था फिर 8 था, अब हमने 4 को पहले ले लिया, तो 4, 7 और 8, ठीक है, ये तीन नंबर बन गए। अब इन तीनों के सम को अगर हम 111 से डिवाइड करें, यहाँ पे इन तीनों के सम को अगर 111 से डिवाइड कर रहे थे तो आंसर क्या मिल रहा था हमें, ए प्लस बी प्लस सी, यानी इस नंबर के डिजिट्स का सम। तो यहाँ पर इस नंबर के डिजिट्स का सम क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन 7 + 8 + 4, यानी कि 9। डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 19। ठीक है, 7 + 8 + 4 कितना होगा, 19। तो इसको इस डिजिट के सम करके, इन तीनों नंबर्स को सम करके अगर हम 111 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 90, यानी इस नंबर के डिजिट्स का सम। ठीक है, अगर हमको ए प्लस बी प्लस यानी 90 से डिवाइड करें तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 111। अगर 37 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 3 a + b + c। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 19 करेंगे वो इसका आंसर होगा। इस तरह से आप इसमें पुट करते जाओ उसके पहले उसको और आंसर निकालोगे तो आपके इसमें जो भी इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे 111 का मैंने बता दिया। 37 से करोगे तो क्या होगा, 3 a + b + c 19 × 3 इसका आंसर होगा, और एक 19 से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या होगा, आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।